आज हम ऐसे अर्बन लेजेंड की बात करने वाले हैं जिसको जिम्बाब्वे में एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ बुरी आत्मा माना जाता है। इसकी एक तरफ पूजा की जाती है और एक तरफ कहा जाता है ये लोगों को मारता है। तो क्या है इस अर्बन लेजेंड या फिर कह लो इस क्रिएचर की कहानी, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। जिम्बाब्वे के एक ऐसा क्रिएचर जिसकी एक तरफ पूजा की जाती है लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उसको बुरी आत्मा बताया जाता है। कहा जाता है जिम्बाब्वे के रहने वाले टोंगा लोग इस क्रिएचर की पूजा करते हैं और इस क्रिएचर को भगवान मानते हैं। उनका ये कहना है कि ये क्रिएचर या फिर ये इनके भगवान जो हैं वो आने वाली मुसीबतों से इनको अवेयर करवाते हैं और उनको जब खाने की कमी होती है तो अपने शरीर से मांस काट कर उनको देते हैं। न्यामी न्यामी को करीबा बांध के पास अक्सर देखा जाता है। कहा जाता है कि एक बार न्यामी न्यामी की जो वाइफ होती है वो करीबा गांव वालों से मिलने के लिए और उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए गई होती है, लेकिन उसी बीच में कुछ लोग वहां पे आके बांध बनाना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और जब तक बांध बन रहा होता है इन दोनों ने कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं की उसमें, और उस बांध को बनने में पूरे 5 साल लगे। ये दोनों 5 साल एक दूसरे से दूर रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस क्रिएचर को लेके कुछ और ही कहानियां बनाई जाती है। कहा जाता है कि न्यामी न्यामी को पहली बार इसी बांध को बनाते वक्त देखा गया था। कहा जाता है ये बांध बनाने में न्यामी न्यामी जो नाम का क्रिएचर है उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, जिसकी वजह से कई इंसानों की जान भी गई थी और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और ये बांध बनाने से न्यामी न्यामी गुस्सा भी हो गया था, जिसकी वजह से ये बांध बहुत टाइम बाद कंप्लीट हुआ बनकर। जिम्बाब्वे के जिम्बेजी गांव में जहाँ पे एक तरफ टोंगा लोग इस न्यामी न्यामी की पूजा करते हैं तो वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बुरी आत्मा है या फिर एक बुरी क्रिएचर कह लो। उनका ये कहना है कि जब ये लोग तालाब में मछली पकड़ने जाते हैं तो ये न्यामी न्यामी नाम का क्रिएचर आके उनको उसी तालाब में डुबो कर मार देता है। इस क्रिएचर का शरीर नीचे की तरफ सांप का होता है और ऊपर की तरफ मछली का होता है। इसके 2 सींग भी होते हैं। जब टोंगा लोगों से पूछा गया कि तुम इस क्रिएचर की पूजा क्यों करते हो और तुम इसको क्यों भगवान मानते हो तो उनका कहना था कि ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और हम इनकी पूजा करते आ रहे हैं। जब उनसे इनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सदियों पहले, काफ़ी टाइम मतलब पहले, एक राजा हुआ करता था जिसके राज में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे पानी का सैलाब आ जाता है जिसकी वजह से पूरा राज डूबने लगता है। लेकिन वहीं पे न्यामी न्यामी जो ये क्रिएचर होता है वो आके इनकी मदद करता है और इन सब गांव वालों को बचा लेता है। तभी से ये लोगों का मानना है कि ये न्यामी न्यामी कोई भगवान का दूत था, जिसकी वजह से ये लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जब इनको खाने की कमी होती है तो ही न्यामी न्यामी अपने शरीर से इनको मांस देता है, जिसकी वजह से इनकी भूख मिट पाती है। और कितने लोग को कहना है कि न्यामी न्यामी की वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान होने से बच गए हैं। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया कि क्या तुमने रियल में कभी न्यामी न्यामी इस क्रिएचर को या फिर इनके भगवान को कभी कहीं पे देखा है तो उन्होंने बताया कि वो करीबा नदी के किनारे देखे जाते हैं अक्सर। उन लोगों का मानना है कि धरती पे भूकंप इसलिए आते हैं कि न्यामी न्यामी अपनी वाइफ से मिलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से धरती पे भूकंप आते रहते हैं। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है ये स्टोरी को। कहा जाता है कि ये जो पीछे सांप या फिर न्यामी न्यामी नाम का जो सांप क्रिएचर है वो भगवान विष्णु के पीछे जो सांप है उसको ही ये लोग जोड़ते हैं उस चीज़ से कि उनका ही एक अवतार आके इनकी मदद करता है। वहीं पे कुछ लोगों का ये मानना है कि ये पानी के देवता वरुण देव की ही एक आकृति होती है जो एक सांप के रूप में आके, मतलब जो एक न्यामी न्यामी के रूप में आके इनको बचा लेती है और तभी से ये परंपरा पूजने वाली इनको स्टार्ट हो गई है। लेकिन इस अर्बन लेजेंड न्यामी न्यामी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं थी, इस वजह से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या सही है क्या गलत वो आप डिसाइड करना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, एंड आपका क्या ओपिनियन है इस न्यामी न्यामी क्रिएचर के बारे में वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।